हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो आम है, कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, ये टी शेप हो चुका है। तो चलिए इसको शेप में करते हैं, क्योंकि ये जो ना जो भी हम बनाते हैं जेड प्लांट से टोप्यारी, इसको टाइम टू टाइम कट करना पड़ता है, और नहीं तो ये डी शेप हो जाती है। ये इस टाइम कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये हमारा आम का टोप्यारी था। तो चलिए इसको शेप में लाते हैं। ये मेरा इस टाइप का आम है, जो मतलब इस तरह से आप कैसे भी इसको उठा सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से है। चलिए करते हैं इस पर कुछ काम शेप में लाने का, के मिलते हैं कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स, कटिंग चालू हो चुकी है। अपनी जो भी एक्स्ट्रा कटिंग ऊपर है या साइड से जो इधर उधर हो रही है, तो उसकी कटिंग करने के बाद देखिए कितना प्यारा अंतर, आप लोग देख लीजिए, खुद से अंतर देख लीजिए, ये कितना बिखरा है और ये कितना शेप में लगने लगा है। जबकि मैंने सिर्फ थोड़ी सी इसकी कटिंग की है आपके सामने, कोई भी इसमें वीडियो कट नहीं है। जितने भी मिनट का ये वीडियो है, बस उतने ही मिनट लगे हैं मुझको इसमें कटिंग करने में और इसकी क्लीनिंग करने में। तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा कुछ जेड प्लांट्स का बनाते हैं, तो थोड़ी सी केयर करने से बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है, और बहुत ही शुभ प्लांट है हमारे घर के लिए। तो अगर हम इस तरह से शुभ चिन्ह भी बनाएंगे, ओम श्री राम, जो भी अगर आपका गार्डन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मैं तो पॉट में बनाई हूँ, बहुत अच्छा, मतलब आपने तो देखा ही है कितना अच्छा लुक आया था इसका लास्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोगों ने भी जेड प्लांट का कुछ बनाया है तो बताइए। मैंने मोर भी बनाया है, लेकिन मोर वही है ना कि अभी बन रहा है, मतलब उसका जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसका लुक उतना ही प्यारा आएगा। लेकिन मोर का शेप दे दिया है और उसकी भी कटिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स। और लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, बिखरे बिखरे पौधे अच्छे नहीं लगते हैं। हम गार्डनर लोग जो है ना, दिन में 10 बार जाते होंगे अपने गार्डन में, तो बस यही सब चलता है, कहीं कटिंग, कहीं गुड़ाई, कहीं खाद पानी। और फ्रेंड्स, गार्डन को साफ रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और गार्डन मतलब लाइफ में नेचर से जुड़ते रहिएगा। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं सारा कचरा इसका ऐसे हिला के एक साइड में कर ली हूँ। अब सारा एक साइड में निकाल के आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं, या आप इसको फेंक सकते हैं जैसा आपको, या किसी को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लुक आ गया है ज़रा सी मेहनत में। और ये बिखरा पड़ा था बहुत टाइम से, और मैं टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा। और फ्रेंड्स, बस और क्या कहूँ, बस थोड़ी सी मेहनत है। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ जानकारी आपके पास हो या आपको चाहिए हो तो बताइएगा, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, बस अब आजकल तो बहुत ही प्यारे प्यारे अडेनियम हैं, और सभी में बहुत अच्छे अल्मांडा अडेनियम दोनों बहुत अच्छे से फ्लार आ रहे हैं। किसी दिन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं करती रहती हूँ ये सब भी आप लोगों के साथ शेयर। आज बस इसका मैंने क्लीनिंग की थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बहुत से काम मैं कर लेती हूँ, वीडियो नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो मैं यहाँ अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाती हूँ, और दूसरा आप लोग लाइक भी नहीं करते हो तो दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। मैं गार्डन में काम बहुत करती हूँ, वीडियो कम बनता है मेरा, और लेकिन कभी कभी लगता है कि